आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट्थ क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में हम टॉपिक है हमारे पास वह रेगुलर पॉलीगॉन एंड इरेगुलर पॉलीगॉन को हम कैसे पहचानते हैं। हम इसमें जानेंगे रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाता है और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या कहलाता है। सबसे पहले हम जानेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल। फॉर एग्जाम्पल आ स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, हैंस इट इज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो होता है जिसके एंगल इक्वल हो, इसके अलावा इसका साइड्स होती है वो बराबर हो। तो इक्विएंगुलर होना चाहिए और इक्विलेटरल होना चाहिए, उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। इसमें के अंतर्गत जैसे हमने एग्जाम्पल सुना हुआ स्क्वायर जैसे होता है, स्क्वायर में क्या होता है इसकी चारों साइड बराबर होती हैं और चारों की एंगल भी बराबर होते हैं। तो अगर किसी की चारों की एंगल लेंथ बराबर हैं और एंगल्स भी बराबर हैं, मतलब ये रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल और हैं, एग्जाम्पल हैं रेगुलर पॉलीगॉन के। द एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आर स्क्वायर, रोम्बस, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, ये तीनों चीज़ जो होती हैं ये रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आते हैं। इरेगुलर पॉलीगॉन, एन इरेगुलर पॉलीगॉन डज नॉट हैव ऑल इट्स साइड इक्वल एंड नॉट ऑल एंगल्स आर इक्वल इट मीजर। अगर इरेगुलर पॉलीगॉन हम इसको बोलते हैं, कोई भी वो पॉलीगॉन जिसमें कोई साइड बराबर ना हो और एंगल बराबर ना हो वो इरेगुलर पॉलीगॉन में आता है। अगर साइड बराबर हैं और एंगल बराबर नहीं है तब भी वो इरेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। अगर एंगल बराबर है और साइड बराबर नहीं है तब भी इरेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। मतलब जो साइड इक्वल नहीं होती हैं इसमें और एंगल्स भी इक्वल नहीं होते हैं वो इरेगुलर पॉलीगॉन में आते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल्स ऑफ इरेगुलर पॉलीगॉन आर स्केल लेन स्केल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, आइसो स्केल ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इरेगुलर पेंटागोन और इरेगुलर हेक्सागोन। ये सब आते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत। जो स्केल लेन ट्रायंगल होता है इसमें ये इरेगुलर पॉलीगॉन में आता है, राइट ट्रायंगल भी इरेगुलर पॉलीगॉन में आता है, आइसो स्केल ट्रायंगल इरेगुलर पॉलीगॉन में आता है, रेक्टेंगल भी आता है, पैरेललोग्राम भी आता है, इरेगुलर पेंटागोन भी आता है और इरेगुलर हेक्सागोन भी आता है इरेगुलर पॉलीगॉन में, जिसमें ना ही एंगल बराबर हो ना ही साइड्स बराबर हो, वो इरेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आते हैं। अब हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे रेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं, इरेगुलर पॉलीगॉन कौन से होते हैं। जैसे रेगुलर पॉलीगॉन ये बने हुए एग्जाम्पल, ये देखोगे आप इनकी चारों, पहला डायग्राम देखेंगे तो इसमें चारों साइड बराबर हैं, ये साइड और ये साइड चारों साइड बराबर हैं। इसके अलावा तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल इसके बराबर हैं, मतलब ये रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आएगा। दूसरा है ये डायग्राम, इसमें आप देखोगे ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड चारों साइड बराबर हैं और चारों इसके एंगल भी बराबर हैं, मतलब ये रेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। इसके बाद है पेंटागॉन, देखोगे इसमें क्या होता है, इसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, पांचों साइड इसकी बराबर हैं। इसके अलावा इसके एंगल्स भी बराबर हैं, पांचों एंगल, ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब पांचों एंगल बराबर हैं, पांचों साइड बराबर, मतलब ये रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आएगा। अब ये हेक्सागोन बताया गया है, इसमें आप देखोगे ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, पूरी छः के छः साइड बराबर हैं, इसके छः एंगल भी बराबर हैं, मतलब ये रेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसमें सभी एंगल और सभी साइड बराबर हों, 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 मतलब उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। अब आप देखोगे इरेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन की डायग्राम है, पहला डायग्राम देखेंगे, इसमें ये तीनों साइड डिफरेंट डिफरेंट हैं, एंगल भी इसके डिफरेंट डिफरेंट हैं, मतलब ये जो होता है इरेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आता है। इसमें आप देखोगे ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर, चारों साइड बराबर नहीं है, एंगल इसके भले बराबर है लेकिन इनकी चारों साइड बराबर नहीं है, इसलिए इरेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आएगा। इसमें आप देखोगे ये और ये साइड बराबर है, ये और ये और ये सब डिफरेंट हैं, तो इसके कारण ये क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगॉन में आएगा। इसमें एंगल भी हमारे पास ये बराबर हैं, बाकी ये सब इसमें डिफरेंट हैं, मतलब ये इरेगुलर पॉलीगॉन के अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट डायग्राम इसमें देखोगे आप, ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर है, ये और ये साइड बराबर, मतलब ये पूरी साइड बराबर नहीं है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट हैं बाकी ये, तो इसलिए इरेगुलर पॉलीगन में ये भी आएगा। इसके एंगल जो होते हैं, एंगल भी इसके डिफरेंट देखोगे आप, ये सबके डिफरेंट हैं, ये और ये बराबर हैं, तो ये इरेगुलर पॉलीगन